स्वागत है आप सभी का टीचिंग गोल्स के इस लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे सो so, आपकी मैराथन सीरीज के अंदर मिनी मैराथन सीरीज के अंदर आपके यूनिट्स यहाँ पे चली हुई है जिसके अंदर आज आपके साथ डिस्कस करने वाली क्वेश्चन आंसर्स रिलेटेड टू यूनिट फाइव जो है आपका पर्सपेक्टिव इन एजुकेशन ठीक है इसके टॉप इंपॉर्टेंट एम है जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कुछ 25 एम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे ठीक है डिटेल में सारी चीज़ों को करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़रूरी है वीडियो पसंद आती है तो इसको ज़रूर लाइक कर देना और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं करा है तो फटाफट से कर लीजिए शेयर कर देना सभी के साथ जहाँ मर्जी वहाँ शेयर कर देना ठीक है बट कर देना फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे बिना टाइम वेस्ट करे सारी चीज़ों को यहाँ पे करेंगे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी प्रपोजेज पैडागोजिकल शिफ्ट फ्रॉम आपसे यहाँ पे शिफ्ट पूछा गया है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है वो किस उपागम से किस उपागम के लिए शिक्षण शास्त्रीय बदलाव की अनुशंसा करती है तो ये कंस्ट्रक्टिविज्म से बिहेवियरिज्म की तरफ जाना बोलता है ठीक है संरचनावाद से व्यवहारवाद की तरफ या फिर रोड लर्निंग से कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग की तरफ जाने को बोलता है इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग से ड्रिल एंड प्रैक्टिस की तरफ बोलता है या फिर असेसमेंट फॉर लर्निंग से असेसमेंट ऑफ लर्निंग के बारे में बोलता है तो देखिए ना ही तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर वन होएगा ना थ्री होएगा ना फोर

So, ये यहां पे क्या है आप आपका जो ऑप्शन नंबर टू है वो करेक्ट आंसर है नेक्स्ट क्वेश्चन है द पर्पज़ ऑफ़ परपज ऑफ असमेंट एज़ पर द नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी इज़ टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑन यहाँ पे असेसमेंट का एक पर्पज़ है एन ई पी के अकॉर्डिंग कि हमें क्या प्रोवाइड करना है किसकी जानकारी देना है कि हाउ टू सपोर्ट द स्टूडेंट इन एंड आउट ऑफ द क्लासरूम कि इसका ये मकसद है कि बच्चों को कक्षा में और कक्षा के बाहर कैसे हम सपोर्ट कर सकते हैं या फिर हम कंपेरिजन कर सकते हैं कंपेरिजन वर्ज वर्ड जहाँ भी दिख रहे उसके आगे बिल्कुल रीड ही मत करना क्योंकि वो आपका हो ही नहीं सकता आंसर ठीक है तो तुलना हम कभी भी के बीच में नहीं करेंगे सो so ये आपका एक नेगेटिव वर्ड है जिसको आपने इग्नोर करना है गैप एंड एंडी इन स्टूडेंट लर्निंग टू एक्यूरेटली हर फेलियर पे विद्यार्थियों के सीखने में कमियों व अभाव की यहाँ पे पहचान करना तो ये यहाँ पे मतलब जो बच्चे सीख रहे हैं उसके अंदर कहां पे कमियां रह रही हैं कहाँ पे अभाव है वो हमें यहाँ पे चीजें बिल्कुल क्या करनी चाहिए यहां पे चीजें देखनी चाहिए मेमोराइज भी हम लोग नहीं कर सकते तो जहां पे मेमोराइज वर्ड आ जाए उसको भी जो है इग्नोर करना ऑप्शन नंबर वन टू एंड फोर यहाँ पे गलत है बल्कि जो आपका करेक्ट आंसर है वो आएगा ऑप्शन नंबर थ्री कि बच्चे जो कुछ भी चीज़ें पढ़ रहे हैं हम जो कुछ भी चीज़ें अपने बच्चों को पढ़ा रहे हैं उसमें क्या गैप रह गया है क्या, क्या कमियाँ रह गई है बच्चों को सारी चीज़ें सिखाने से रिलेटेड वो सारी चीज़ें यहाँ पे क्या है बताई जाती है एन जो है इसके बारे में फोकस करता है तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थाउजेंड ट्वेंटी प्रपोजेज इंक्लूजन ऑफ एन ई पी टू थाउजेंड ट्वेंटी यहाँ पर समावेश करता है इंक्लूड करता है किसको फॉर असेसमेंट ऑफ चिल्ड्रन ग्रुप वर्क को या फिर ग्रुप वर्क और सेल्फ असेसमेंट को करता है प्रोजेक्ट या फिर स्टैंडर्ड टेस्ट को करता है स्टैंडर्ड टेस्ट और पोर्टफोलियोज को करता है या फिर नोम रेफरेंस क्राइटेरियन रेफरेंस टेस्ट को करता है देखिए जहाँ पर भी अगर सेल्फ असेसमेंट आपको दिख जाए ना तो वो एक बहुत पॉजिटिव लाइन होती है यानी कि बच्चे खुद का स्वयं का या अगर आकलन यहाँ पर कर पा रहे हैं तो वो बहुत अच्छी जो है बच्चों के लिए लर्निंग के लिए होता है ठीक है तो यहां पे बच्चे ग्रुप वर्क में काम कर रहे हैं और सेल्फ असेसमेंट भी पे जो पे जो स्वयं का आकलन कर रहे हैं तो ये आपका ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है और सटीक यहां पे बैठता है तो ऑप्शन नंबर वन यहां पे क्या हो जाता है सही हो जाता है बाकी सारी चीजें यहां पे सही नहीं है ठीक नेक्स है नेक्स्ट चीज़ें हैं ये सारी चीजें मैंने आपको एनईपी वाला टॉपिक एनईपी आर टी ई एन सी एफ ये सारी चीज़ें आपको प्रोवाइडेड है ऑलरेडी बहुत कम टाइम में अच्छे से आपको यहाँ पे समझाया मैंने पहले इसका लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके सारी चीज़ों को देख सकते हैं अगर आपने नहीं देखा है तो ठीक है और आप जब वो सारी चीज़ें पढ़ेंगे तो क्वेश्चन आंसर आपसे अपने आप बन जाएंगे और जो क्वेश्चन आंसर्स जो पूछे जा रहे हैं एग्जाम में जो अभी टीचर के एग्जाम्स चल रहे हैं उसमें आपके इतने हाई लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे नहीं पूछे जा रहे हैं सो डोंट वरी अबाउट इट आपसे जो है ईजी मतलब इतना ईजी भी नहीं बट हाँ आप कुछ चीज़ों को कर पाएंगे आपसे जो है ऐसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं वोट शुड बी द अंडरलाइन प्रिंसिपल फॉर असेसमेंट अकॉर्डिंग टू नेशनल एजुकेशन पॉलिसी एनईपी टू थाउजेंड ट्वेंटी के अकॉर्डिंग एक अंतर्निहित सिद्धांत क्या होना चाहिए है प्राइमरीली टेस्टिंग रोट मेमोराइजेशन स्किल यहाँ पे जो रोट मेमोराजेशन स्किल है ना भाई मतलब लटन की जो भी प्रक्रिया है जो भी मेमोरेशन प्रोसेस है उसको तो आपने इग्नोर करना है वो आपका आंसर यहाँ पे नहीं हो सकता है एनकरीजिंग लर्निंग ऑफ कंटेंट ओनली जहाँ पर आप ओनली देखेंगे वो भी आपका ऑप्शन कभी भी सही नहीं होएगा ठीक है तो ओनली को हमेशा अवॉइड करना ऑप्टिमाइजिंग लर्निंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ऑल स्टूडेंट सभी विद्यार्थियों के लिए उनका सीखने और विकास का अनुकूलन करना यहाँ पे क्या है बिल्कुल सही है असेस करना स्टूडेंट्स को ओनली यहाँ पे भी ओनली है ना तो इसको भी नहीं पढ़ेंगे तो आपका जो ऑप्शन नंबर थ्री है यहाँ पे क्या हो जाता है बिल्कुल सही हो जाता है ठीक है आप ऐसे ना ऑप्शनस को नेगलेक्ट करना भी सीखिए कि भाई ये ऑप्शन नहीं हो सकता है तो आप अगर नेगलेक्ट करना सीख जाएंगे तो आप करेक्ट ऑप्शन की तरफ अपने आप बढ़ जाएंगे हो सकता है भाई आप एक या दो ऑप्शन तो आप ऐसे आराम से ना निगलेक्ट करना सीख जाए ठीक है तो चीज़ों को ऐसे भी करना सीखिए नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू स्टेट्स दैट लर्निंग शुड बी एनई पी बताता है कि लर्निंग कैसी होनी चाहिए जो आपका सीखना है आपका जो अधिगम है वो कैसा होना चाहिए कंटेंट ओरिएंटेड होना चाहिए विषय वस्तु आधारित हो रही होना चाहिए पाठ्यपुस्तक आधारित होना चाहिए है एक्सपीरियंसल होना चाहिए आपके अनुभव से आप सीखते हो या फिर व्यवहारवाद की तरफ होना चाहिए है तो इसका सीधा सा आंसर आपका एक्सपीरियंसल हो जाता है कि आप जो है अपने एक्सपीरियंस से चीज़ों को सीखते हो अपने अनुभव से चीज़ों को सीखते हो पास्ट में जो कुछ भी चीज़ें आप पढ़ करके आ रहे हो उसको आगे वाली चीज़ों से लिंक करके सीखते हो ठीक है तो पी जो की जो लर्निंग है वो इस पर बेस्ड होती है ऑप्शन नंबर थ्री यहां पे सही है नेक्स्ट क्वेश्चन है एज पर नेशनल एजुकेशन पॉलिसी टू थाउजेंड ट्वेंटी द फॉर्म ऑफ school इन स्कूल शुड शिफ्ट फ्राम एन ई पी टू थाउजेंड ट्वेंटी के अकॉर्डिंग जो असेसमेंट का फॉर्म है वो कहाँ से कहाँ शिफ्ट होना चाहिए समेटिव से फॉर्मेटिव की तरफ शिफ्ट होना चाहिए फॉर्मेटिव से की तरफ लर्निंग से रोड मेमोराइजेशन रोड मेमोराइजेशन पर नहीं जाएंगे बिल्कुल भी, भी गलत है फ्लैक्जिबल अप्रोचेज से रिजिड स्टैंडर्ड की तरफ भी नहीं जाएंगे कठोरता की तरफ नहीं जाएंगे ठीक है फ्लैक्बल से कठोर की तरफ हम क्यों ही जाएंगे अब बचते हैं आपके ऑप्शन नंबर वन एंड टू तो आप जब एन ई पी को पढ़ते हो तो आप जो है असेसमेंट वाले सारे प्रोसेस को यहां पे पढ़ते हो तो आपका जो समेटिव नहीं करके बल्कि इंपॉर्टेंस दिया गया है ड्यूरिंग होता, होता, होता है ताकि बच्चे की जो भी कमियां हैं वो थ्रू आउट द स्टडी ही उसकी क्या हो जाए क्लियर हो जाए समेटिव तो वो होता है जो बिल्कुल एंड में होता है जैसे आपने एंड ईयर के जो एग्जाम होते हैं ना वो आपके समेटिव होते उसके बाद बच्चा नेक्स्ट क्लास में कर जाएगा तो अभी बच्चे को वो चीजें सीख नहीं पाएगा बट फॉर्मेटिव होता है जब बच्चा टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के दौरान करता है तो एनईपी कहता है कि आपका असेसमेंट का जो शिफ्ट है वो फॉर्मेटिव से कहाँ होना चाहिए फॉर्मेटिव होना चाहिए ठीक है ये सारी चीजें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 थाउजेंड ट्वेंटी प्रपोजेज दैट एजुकेशन शुड बी एन ईपी बताता है कि आपकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए है फोकस ऑन ड्रिल एंड प्रैक्टिस यानी कि ड्रिल और अभ्यास पर होनी चाहिए है इंक्वायरी और डिस्कवरी ओरिएंटेड होना चाहिए टेक्सट बुक और टीचर सेंटर कभी नहीं होती है चीजें ठीक है और फॉर एग्जाम के लिए भी नहीं होती है ड्रिल एंड प्रैक्टिस के भी नहीं होती है बल्कि आपका इंक्वायरी और डिस्कवरी ओरियंटेड सारी चीजें होती हैं बच्चा इंक्वायरी करना सीखे बच्चा खो

ठीक है रोट लर्निंग की स्पेलिंग गलत होगी मेरे से आर ओ टी ई होता है रोट लर्निंग पे प्रैक्टिस एंड ड्रिल पे या फिर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग पे तो हम पहले भी पढ़ करके आए हैं कि एन ई पी किस पे फोकस करता है एन ई पी जो है वो रोट लर्निंग पे फोकस ना करते हुए बल्कि आप चीज़ों को समझे आप जो है अवधारणाओं को समझें इस पर फोकस करता है आप चीज़ों को अप्लाई करना सीखे इस पर यहाँ पे फोकस करता है ठीक है रटना नहीं है चीज़ों को तो एट्थ का क्या आ जाएगा ऑप्शन नंबर फोर इज़ करेक्ट हो जाएगा नेक्स्ट है आर टी ई एक्ट वॉज इम्प्लीमेंटेड इन इंडिया विद इफेक्ट फ्रॉम आर टी ई एक्ट टू थाउजेंड नाइन को कब यहाँ पे इम्प्लीमेंट करा गया था तो इसको इम्प्लीमेंट यानी कि लागू किया गया था कब लागू किया गया था एक अप्रैल 2010 को लागू किया गया था ये मैंने आपको अपनी वीडियो में कवर करा है अच्छे से ठीक है तो आर टी ई का ये जो कब इम्प्लीमेंट किया गया था ये ऑप्शन नंबर टू आपका करेक्ट हो जाता है यहाँ पे एक अप्रैल दो को ये लागू किया गया था द राइट ऑफ राइट टू एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइन हैज़ प्रेस्क्राइब्ड मिनिमम वर्किंग आवर्स पर वीक फॉर ए टीचर इज मिनिम वर्किंग आवर्स यानी कि हर हफ्ते पर वीक कितना कितने घंटे किसी भी टीचर को काम करने का प्रावधान है आर टी ई एक्ट के अंदर तो ये है फोर्टी फाइव आवर्स ठीक है पैंतालीस घंटे यहाँ पे जो है मिनिमम वर्किंग आवर्स है ठीक है तो ये सारी चीज़ें फैक्ट बेस है ये या आपने याद रखनी है अच्छे से

इन which सेक्शन ऑफ RT 2009 it has been इट हैज primary education देन प्राइमरी एजुकेशन विल mother गिवन इन मदर टंग आर क्या कहता है कि आपकी जो मदर टंग है उसमें आपको प्राइमरी एजुकेशन आपको अच्छे से मिलनी चाहिए ठीक है ठीके? तो ये सारी चीजें आपको बताई गई तो किस सेक्शन uh, uh, के तहत आपको ये सारी चीज़ें बताई गई है तो आपको ये पता होना चाहिए आर टी के सेक्शन ट्वेंटी नाइन ये कहता है कि प्राइमरी में जो आप जो एजुकेशन प्रोवाइड करेंगे वो बच्चे की मदर टंग से रिलेटेड करेंगे बच्चा घर में जो भाषा बोलता है उसकी जो मातृभाषा है उसमें आप बच्चों को सारी चीज़ें पहले पढ़ाएंगे ताकि जो है चीजों को समझे ठीक है ऐसा नहीं है भाई उसकी मदर टंग टू और इंग्लिश में अपना ही बढ़ाए जा रहे हैं ठीक है तो मदर टंग में यहां पे प्राइमरी एजुकेशन बच्चे को देना है ये आरटी में जिक्र किया गया है सेक्शन ट्वेंटी नाइन के अंडर नेक्स्ट क्वेश्चन है राइट टू एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइन स्पेसिफाइज दैट इफ़ द नंबर ऑफ चिल्ड्रेन एडमिटेड फॉर फर्स्ट क्लास टू फिफ्थ क्लास इज अबाउट टू हंड्रेड दें दीपल टीचर रेशो इज़ ये कहता है कि अगर पहली क्लास से पांचवी क्लास तक अगर बच्चे की जो संख्या वो दो सौ से ज्यादा है तो पीपल, पीपल और टीचर का रेशो क्या होगा तो जब दो सौ से ज्यादा होता है तो एक हेड मास्टर की भी रिक्वायरमेंट होती है ये भी आप ध्यान रखना और यहाँ पे जो पीपल टीचर रेशो होगा वो कितना होगा वो आपका फोर्टी फोर्टी फाइव होगा ठीक है सॉरी uh, फोर्टी होगा ठीक है फोर्टी होगा इसका सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाता है सही हो जाता है कि फोर्टी होएगा इसका पीपल टीचर रेशियो कितना होगा चालीस का होगा ठीक है ये आपने ध्यान रखना है यानी कि चालीस बच्चों पर एक टीचर होगा ठीक है चलिए नेक्स्ट चलते हैं अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट अच्छा आपने ये याद रखना है कि ये जितने जो भी आर टी एक्ट है ना आर टी एक्ट इसके अंदर आपके कितने चैप्टर हैं तो इसके अंदर आपके जो चैप्टर है वो सेवन चैप्टर है ठीक है सेक्शन कितने है सेक्शन है आपका थर्टी एट ठीक है और ये सारे सेक्शन मैंने आपको अच्छे से करवाए हुए हैं तो चैप्टर सेवन है और सेक्शन थर्टी एट है ये भी आप अच्छे से याद रखेंगे नेक्स्ट चीज़ पे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइन टीचर्स कैन नॉट डिप्लॉयड फॉर टीचर यहाँ पे किस चीज़ पर उनको यहाँ पे डिप्लॉय नहीं किया जा सकता है तो दस वर्ष जनसंख्या जन, जन वार्षिक जनगणना जनगणना के लिए वो डिप्लॉय उनको किया जाता है आपदा राहत कार्य के लिए भी उनको डिप्लॉय किया जा सकता है चुनाव से संबंधित भी होते ही हैं टीचर्स लेकिन जहाँ पे उनकी ड्यूटी नहीं लगाई जा सकती है वो पल्स पोलियो प्रोग्राम है ठीक तो है तो ऑप्शन नंबर फोर है जहां पे टीचर्स की ड्यूटी आप नहीं लगा सकते हो पल्स पोलियो प्रोग्राम के अंदर बाकी सारी चीजों में टीचर्स की ड्यूटी यहाँ पे लगती है और लगाई जाती है ठीक है नेक्स्ट चीज पे बढ़ते हैं विच ऑफ़ द फॉलोइंग इज नॉट एड्रेस्ड इन द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 थाउजेंड नाइन निशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम दो हजार नौ में निम्नलिखित में से किसे संबोधित नहीं किया गया है आपसे पूछा है प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग फैकल्टी फॉर टीचर्स यहाँ पे ट्रेनिंग फैकल्टी तो भाई ये तो है ही इसमें इंक्लूडेड है एंड एनश्योर करने एडमिशन्स को चिल्ड्रन ऑफ माइग्रेंट्स ये भी इंक्लूडेड है इसे भी संबोधित किया गया है अकेडमिक कैलेंडर को भी है जो नहीं है वो है एजुकेशन आफ्टर फोर्टीन ईयर्स ठीक है चौदह साल के शिक्षा को यहां पे इंक्लूड नहीं करा गया है ठीक है, जो आर है वो बात बात करता है 6 से चौदह साल के बच्चों को फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन ठीक है तो चौदह साल के बाद की एजुकेशन यहां है मायने नहीं रखती है तो यहां पे ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाएगा सही हो जाएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं राइट टू एजुकेशन एक्ट टू थाउजेंड नाइन स्टेट्स दैट आर टीचर शेल परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग ड्यूटी एक टीचर को कौन सी ड्यूटी यहाँ परफॉर्म करनी होती है मेनटेन करना रेगुलैरिटी का ये बिल्कुल परफॉर्म करनी होती है कम्प्लीट करना है करिकुलम को कम्प्लीट एंटायर करिकुलम एक स्पेसिफिक टाइम में भी करना पड़ता है तो ये सारी चीज़ें सही है इसलिए ऑल ऑफ दीज इसका क्या आ जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा नेक्स्ट पे बढ़ते हैं राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर चिल्ड्रन बिटवीन द एज ग्रुप ऑफ सिक्स इंक्लूडेड इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज किस आर्टिकल के तहत ये सारी चीजें कही गई है तो आर्टिकल ट्वेंटी वन ए के तहत ये सारी चीजें कही गई है कि छह से चौदह साल के बच्चों को यहां पे एजुकेशन प्रोवाइड करने का प्रावधान हो स्पेशल बच्चे हैं तो छह से अठारह साल के बच्चे होते हैं ठीक है ठीके? तो ये सारी चीजें हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका राइट टू द राइट ऑफ चिल्ड्रन टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 थाउजेंड नाइन स्टीपुलेट दै लर्निंग शुड बी आर टी टू थाउजेंड नाइन ये निर्धारित करना है कि आपके जो सीखना है जो लर्निंग है वो कैसा होना चाहिए रेस्ट्रिक्टेड होना चाहिए रेस्ट्रिक्ट कभी नहीं होता है केयरफुली मोनिटर्ड बाई फ्रिकुट टेस्टिंग थ्रो थ्रो एक्टिविटीज इन ए चाइल्ड फ्रेंडली मैनर ठीक है बच्चों को एक फ्रेंडली मैनर में सारी चीज़ों आपने सिखानी होती है बच्चों की अनुकूल तरीके से गतिविधियों के साथ आपने चलना होता है बाकी सारी चीज़ें एक्स्ट्रा कोचिंग भी नहीं हो देनी टेस्टिंग भी नहीं रेस्ट्रिक्ट तो कर ही नहीं सकते हो तो इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री यहां पे क्या हो जाता है सही हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं द कंसेप्ट ऑफ कहा गए हम आई थिंक ये क्वेश्चन था Uh, हाँ यही क्वेश्चन था द कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन एज एडवोकेटेड इन द राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 थाउजेंड नाइन इज बेस्ड ऑन जो इंक्लूसिव का जो कॉन्सेप्ट है वो कैसे यहाँ पे किस पर चीज़ पर आधारित होता है बिहेवियरिस्टिक प्रिंसिपल पे आधारित होता है सिंपथेटिक एटीट्यूड नहीं दिखा सकते हैं हम ठीक है किसी भी बच्चों को एक दया की भावना से नहीं देख सकते हो आप एज ए टीचर ए राइट बेस्ड ह्यूमेनिस्टिक परस्पेक्टिव होता है या फिर मेन स्ट्रीमिंग ऑफ डिसेबल्ड ऑफरिंग बायोफरिंग नहीं ये सारी भी चीज़ें नहीं होती है बल्कि आप सभी बच्चों को यहाँ पे इंक्लूड करके चलते हो सभी बच्चों को इंक्लूसिव एजुकेशन यहाँ पे देते हो फिर चाहे वो वो चाहे नॉर्मल बच्चे हो चाहे फिर वो स्पेशल बच्चे हो चाहे फिर वो डिसबलिटीज़ के बच्चे हो तो उनको जो है सभी को समान शिक्षा का अधिकार की बात करी गई है और ये एक अधिकार अधिकार आधारित मानवतावादी परिप्रेक्ष्य के बारे में बात करी गई गे, कि भाई अधिकार होता है सब बच्चे का फिर चाहे वो स्पेशल बच्चे हो चाहे वो डिसेबल्ड बच्चे हो चाहे वो नॉर्मल बच्चे हो चाहे कैसे बच्चे हो हर बच्चे का एक मानवता के रूप में अधिकार होता है उसका एजुकेशन ठीक है तो यहाँ पे किस बेस पे होता है ये राइट बेस्ड ह्यूमैनिस्टिक पर्सपेक्टिव बेस पे होता है तो इसलिए ऑप्शन नंबर थ्री यहां पे क्या हो जाता है सही हो जाता है नेक्स्ट पे बढ़ते हैं अकॉर्डिंग

तो ध्यान रखिएगा इस चीज़ को जब आप स्कूल में एंटर करते हो तब उसकी जो पहली क्लास होती है फर्स्ट क्लास ऑफ स्कूल से ये सारी चीज़ें यहाँ पर इंक्लूड करी जाती है तो ऑप्शन नंबर टू यहाँ पे क्या हो जाता है सही हो जाता है नेक्स्ट चीज़ पर बढ़ेंगे कोठारी कमीशन रिपोर्ट वाज एंटाइटल्ड ओन कोठारी कमीशन की रिपोर्ट थी वो किस पे बेस्ड थी किस पे आधारित थी तो एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट पे थी लर्निंग टू बी एडवेंचर थी या फिर डाइवर्सिफिकेशन ऑफ एजुकेशन थी एजुकेशन एंड सोशलाइजेशन इन डेमोक्रेसी थी तो ध्यान रखिएगा ऑप्शन नंबर वन यहाँ पे सही है कि एजुकेशन एंड नेशनल डेवलपमेंट शिक्षा और राष्ट्र विकास के ऊपर ये सारी चीज़ें आधारित थी कोठारी जो कमीशन था वो आपका पोस्ट इंडिपेंडेंस यानी कि आज़ादी के बाद आपका सिक्सथ कमीशन था ठीक है थोड़ी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है छठा कमीशन था आज़ादी के बाद और अगर शिक्षा की बात करूँ तो शिक्षा के क्षेत्र में ये पहला कमीशन था ठीक है जिसने एजुकेशन को इतना थोड़ा सीरियसली लिया था उसके इश्यूज़ के बारे में बात करी थी तो कोठारी कमीशन जो एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से देखें तो पहला कमीशन था और पोस्ट इंडिपेंडेंस की अगर बात करें तो सिक्स जो कमीशन था ठीक है तो ये एडिशनल चीजें हैं थोड़ा सा ध्यान रखिएगा इस चीज़ के बारे में अकॉर्डिंग टू द एजुकेशन कमीशन विच लैंग्वेज शुड बी यूज इन प्राइमरी एजुकेशन फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्टूडेंट तो यहाँ पे आप सभी पहले भी मैं आपको अभी पीछे क्वेश्चन भी करवाया है कि प्राइमरी जो क्लासेज होती है उसमें बच्चों को उसकी मातृभाषा में पढ़ाना चाहिए है ठीक है ये जो है आर में बताया गया है कि आप उसको मदर टंग में जो भी उसकी जो भी उसकी मातृभाषा है ठीक है जो उसकी घर परिवार की भाषा बोली जाती है उसमें ही बच्चे को पढ़ाना चाहिए प्राइमरी एजुकेशन तक ठीक है तो इसका ऑप्शन नंबर फोर हो जाएगा करेक्ट नेक्स्ट पे बढ़ते हैं so well 19, NEP 1968 आई थी, आप सभी को पता है तो ये सारी चीजें या फिर 2020 में आई थी तो एन ई जो आई थी वो इतना अच्छा काम क्यों नहीं कर पाई इसमें ऐसे क्या खामियां रह गई थी वो आपका क्वेश्चन है एजुकेशन जो है एक स्टेट लिस्ट में था या थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला को इंप्लीमेंट नहीं किया गया था टेन प्लस टू प्लस थ्री पैटर्न ऑफ एजुकेशन को इम्प्लीमेंट नहीं करा, करा गया था या फिर कंपलसरी एजुकेशन फॉर अप टू एज ऑफीड तो ध्यान रखिएगा वो ये था कि चिल्ड्रेन अपू एज ऑफ फोर्टीन को इसने अच्छे से हाईलाइट नहीं किया था ठीक है तो यही इसकी मेन खामिया थी बाद में नाइनटीन जो एट्टी सिक्स में जो आई थी उसके अंदर इस चीज को अच्छे से किया गया था ठीक है तो ऑप्शन नंबर फोर क्या हो जाता है सही हो जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन है एनसीएफ प्रस्तावित करता है कि मूल्यांकन प्रणाली आधारित होनी चाहिए है एन क्या बताता है कि आपकी मूल्यांकन मूल्यांकनिक जो प्रणाली है वो कैसी होनी चाहिए है अंक के, के बेस पे होनी चाहिए यानी कि मार्क्स के बेस बेस पे होनी चाहिए है ग्रेड बेस पे होनी चाहिए है मार्क्स और ग्रेड दोनों ही बेस पे होनी चाहिए या फिर कोई भी नहीं तो दोनों और कोई भी नहीं की तो बातें नहीं होती और मैं आपको शायद पीछे के भी किसी एक क्लास में बताया था कि अंक से ज़्यादा है हमें चीज़ें किस में प्रेफरेंस करनी चाहिए ग्रेड में प्रेफरेंस करनी चाहिए है एन बताता है कि बच्चों को ग्रेड्स में सारी चीज़ें प्रोवाइड करी जाए ताकि बच्चा यहाँ पर स्ट्रेस फील ना करे किस तरह की स्ट्रेस जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल भी दिया था कि जब बच्चे मान लीजिए किसी का सो नंबर का नंबर पेपर है और किसी के मान लीजिए नंबर आए हैं किसी के थ्री है, है, है तो मान लीजिए मार्क्स नाइन्टी फाइव है तो ये बच्चा फर्स्ट कलाएगा ये बच्चा सेकंड कलाएगा ये बच्चा थर्ड कलाएगा तो नाइन्टी वाला कहीं ना कहीं सोचेगा नाइन्टी थ्री वाला सोचेगा भाई इसके नाइन्टी फाइव है मेरे नाइन्टी थ्री और मेरे से इन एक या दो नंबर ही तो ज्यादा है फिर मेरे नाइन्टी थ्री है मैं तो सेकेंड आ गया मैं तो थर्ड आ गया तो ये जो है बच्चों को कहीं ना कहीं क्या लिया था स्ट्रेस में ले आता है ठीक है तो यहां पे ग्रेड्स को सिस्टम को लाया गया कि 90 से 100 तक किस ग्रेड में आएगा बच्चा ए ग्रेड में आएगा तो सारे ही बच्चे यहां पे खुश हो जाएंगे कि हम सब किस में आते हैं ए ग्रेड के अंदर आते हैं तो बच्चे के अंदर किसी ना किसी तरीके से स्ट्रेस को यहां पर कम करना यहां पर ग्रेड का मकसद होता है ठीक है तो आज के ये ट्वेंटी फाइव क्वेश्चन हमने करे थे आई होप आपको सारी चीजें समझ में आई होगी ठीक है जो एन ई पी है उसके अंदर आपको मैंने एक परख वाला भी कॉन्सेप्ट बताया था पी ए आर ए के एच जो कि आपका एक असेसमेंट प्रणाली है जो एन ई पी ने रिकमेंड करा है कि बच्चों का जो असेसमेंट है वो आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट होना चाहिए परख में जो पी होता है उसका मतलब होता है परफॉर्मेंस ए मतलब होता है असेसमेंट आर मतलब होता है रिव्यू ठीक है एंड ए मतलब एनालिसिस होता है ऑफ नॉलेज फॉर होलिस्टिक डेवलपमेंट ठीक है तो ये परख जो है आपको अच्छे से देखना है जो मैंने आपको एनईपी पढ़ाया था तो उस टाइम पे कवर भी कर दिया था ठीक है सो आई होप आपको यहाँ आज का टॉपिक समझ में आया होगा आज हमने पूरा फाइव चैप्टर को कवर कर लिया है एन से थोड़े से कम क्वेश्चन हो पाए हैं सो so, uh, मैं आपको कोशिश करूँगी कि आपको आगे जो है इंक्लूड कर दूँ और भी प्रैक्टिस वीडियोज़ आपके लिए आएंगी बट अब जो प्रैक्टिस वीडियो आएंगी वो सारे ही फाइव यूनिट को इंक्लूड करके आएगी ठीक है तो हर यूनिट से क्वेश्चन उसमें हो सकते हैं सो so, बने रहिए मेरे साथ वीडियो पसंद आती है तो भाई इसको लाइक कर देना और सभी साथ शेयर करते रहा करो ताकि चीज़ें सब को, सभी को जो है मिल सके मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू थैंक्स फॉर वॉचिंग मी